आप में से कुछ लोगों को ज्ञात होगा कि आज के दिन प्रतिवर्ष पूरे देश के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस जो है आज के दिन मनाया जाता है उन्नीस में भारत आजाद हुआ संविधान बनने की प्रक्रिया चलने लगी संविधान के एक एक नीति नियम बनने लगे जिनको बनने में लगभग डेढ़ से दो साल लगे डेढ़ साल में काफी हद तक प्रारूप तैयार हो गया लास्ट के छह महीनों में चीजों को फाइनल किया गया उसे लिखने का काम प्रिंटिंग का काम बहुत सारे दस्तावेज तैयार करने का काम चलता रहा 14 सितंबर उन्नीस यानी पचास से पहले उनचास में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया राजभाषा का अभिप्राय है कि राजकाज के सारे काम हिंदी में चलेंगे राजकाज के सारे काम हिंदी में चलेंगे और पूरे भारतवर्ष में इसको स्वीकार्य किया जाएगा यह पास किया गया लेकिन ऐसा हो नहीं पाया फिर और समय बीता उन्नीस में हिंदी दिवस मनाने का प्रचलन भारत सरकार के द्वारा मान्य किया गया कि उन्नीस में कि हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाएगा आज भी भारत के संविधान के मुताबिक हिंदी को राजभाषा का दर्जा है और विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं भाषाएं बहुत बोली जाती हैं जितनी भाषाएं बोली जाती है उसमें हिंदी का तीसरा स्थान है तीसरा स्थान हिंदी का है यानी हिंदी बोलने वालों की तादाद भारत सहित दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में हिंदी बोलने वालों की अच्छी खासी संख्या है एक सर्वे के मुताबिक भारत में ही 77 प्रतिशत लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं पढ़ते हैं और समझते हैं वो हिंदी के प्रकांड विद्वान ऐसा नहीं है चाहे वो काम चलाओ हिंदी बोलते हैं लेकिन वो हिंदी बोल सकते हैं ये 2011 की जनगणना के आंकड़े के मुताबिक है कि 77 प्रतिशत लोग हिंदी को बोलते भी हैं, समझते भी हैं पढ़ते भी हैं ऐसा हिंदी का प्रयोग करते हैं मैं स्वयं अपने हिंदी प्रेम के बारे में कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा भी हिंदी के प्रति एक लगाव एक प्रेम हिंदी के प्रति काफी समय से बना हुआ है सबसे पहली बात कि भारत की राजधानी दिल्ली में हम रहते थे और उस जमाने में प्राइवेट कॉन्वेंट पब्लिक स्कूलों का प्रचलन ना के बराबर था था भी तो बहुत इन्हे गिने स्कूल थे हम सरकारी स्कूलों में पढ़े और हमारी पढ़ाई का माध्यम हिंदी मीडियम था हिंदी मीडियम तक दसवीं क्लास तक हम पढ़े तो स्वाभाविक बात है कि हिंदी हमारी अच्छी होनी ही थी और जब हमें मुझे अच्छे से याद है हम छठवीं सातवीं आठवीं पढ़ते थे तो हिंदी का और इतिहास का जब पीरियड होता था तो हमारे अध्यापक अक्सर मुझे भी और एक दो बच्चे और थे क्लास में हमें कहते थे लेसन ये पाठ तुम पढ़ो पूरी क्लास सुनेगी हम ऊंची आवाज के अंदर पूरी क्लास के अंदर बोलते थे अब भाषा की शुद्धि कह लो आवाज़ प्रोनाउंसिएशन उच्चारण की बात कह लो हमारे टीचरों को पसंद था हम पढ़ते थे पूरी क्लास सुनती थी तो भाषा हमारी वहां से सुधरने लगी और भाषा का एक अच्छा स्वरूप धीरे धीरे बनने लगा और हमारी हिंदी भाषा के संवरने का एक कारण और भी रहा शायद मुझे ऐसा याद है कि हम पांचवी क्लास में पढ़ते थे तब से हिंदी का न्यूज पेपर समाचार पत्र पढ़ने की आदत पड़ गई कि रोजाना समाचार पत्र आता था मकान में दस बारह मकान परिवार वहां पर रहते थे और सुबह पूरे भवन के अंदर एक अखबार आता था सब मिलजुल करके पढ़ा करते थे कहीं हेडिंग पढ़ ली कहीं डिटेल पढ़ ली इस प्रकार से चलता था तो न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक चढ़ा और ये शौक तो मेरा आज भी बरकरार है और बीच में तो स्थिति ऐसी भी आई कि एक दिन में तीन तीन न्यूज पेपर पढ़ने अलग अलग अखबारों के पेपर पढ़ने आर्टिकल पढ़ने संपादकीय पढ़ने आदत सी रही पढ़ने की न्यूज पेपर पढ़ते 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 हमारी भाषा और संवरी आम जन भाषा जो है न्यूज पेपरों के द्वारा व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है और एक सौभाग्य हमारा और रहा एक बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति हुए जिनका मैं कई बार नाम ले चुका हूं जेपी त्रिपाठी जी जगत प्रसाद त्रिपाठी जी जो संस्कृत प्राकृत आगम दर्शन ज्योतिष अनेक भाषाओं और विषयों के बड़े विद्वान और ज्ञाता थे एक बार उन्होंने मेरे को और हमारे मुनि जी को कहा कि महाराज एक बात कहूं हमने कहा बताओ बोले देखो आप कितने बड़े संत हो जाओ संस्कृत प्राकृत आपको आती है तो बड़ी अच्छी बात है नहीं आती है कम आती है तो भी काम चल जाएगा लेकिन हिंदी भाषा के ऊपर आपकी कमांड नहीं है हिंदी भाषा के बोलने पर आपका नियंत्रण नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा बोले आपको साहित्य पढ़ना है तो अच्छी हिंदी आनी चाहिए आपको प्रवचन देना है तो आपको अच्छी हिंदी आनी चाहिए आपको कुछ लिखना है तो आपकी अच्छी हिंदी होनी चाहिए तो उनकी बात हमें पसंद आई उन्होंने कहा कि आपने अपने स्कूलों में क्या पढ़ा उसे छोड़ दो भूल जाओ मैं आपको छोटी क्लास से लेकर के एमए तक का हिंदी साहित्य हिंदी के कोर्स की किताबें सारी पढ़ाऊंगा और आपको पढ़नी है और वाकई में उन्होंने एनसीआर की किताबें जो हिंदी की मान्यता प्राप्त अच्छी स्तर की किताबें थी उन्होंने हमारे छोटी क्लासों से लेकर के एम ए तक की किताबें उन्होंने हमारे को पढ़ाई सारे हिंदी के विद्वान सबकी कविताएं निबंध और बहुत तरह की चीजें हमारे पढ़ने में आई उसने हमारे को हमारी हिंदी को बहुत ज्यादा निखारा और हमारी हिंदी वहां से जब बहुत अच्छी बनती चली गई और फिर वहीं से हमारे को शोक चढ़ गया हिंदी साहित्य के विद्वानों के उपन्यास पढ़ने का जीवनी और आत्मकथाओं के पढ़ने का हमने मुंशी प्रेमचंद जय प्रसाद महादेवी वर्मा रामधारी सिंह दिनकर ना जाने किस किस विद्वानों को हिंदी साहित्यकारों को हमने पढ़ डाला और आज भी वो बादस्तूर निरंतर जारी है आज भी पढ़ने का शौक नया साहित्य कोई भी मिलता है पढ़ने का शौक आज भी बरकरार रखते हैं मेरा जब 2015 का चातुर्मा अहमदनगर में होना था तो मन में ख्याल सा आ रहा था कि हम महाराष्ट्र में पहली बार जा रहे हैं लोग मराठी बोलते हमारी हिंदी क्या इनको समझ में आएगी तो जैसे जैसे नजदीक बढ़े और अहमदनगर के लोग टकराने लगे तो हमने कहा भाई हम तो हिंदी में बोलते हैं आप मराठी बोलते आपको समझ में आएगी हमारी हिंदी बोले हाँ महाराज हम समझते हैं महाराष्ट्र में है तो इसलिए मराठी बोलनी होती है लेकिन यू हम हिंदी को समझते हैं मैं चलो शुक्र है जब अहमदनगर के मंच से प्रतिदिन हिंदी में हम बोलने लगे तो बहुत लोगों ने कुछ समय के बाद कहना प्रारंभ करा महाराज हिंदी हमारी कुछ धुंधली सी हो रही थी लेकिन लगातार डेली एक घंटा हिंदी सुनने से अच्छी हिंदी सुनने से हमारी हिंदी और संवर रही है अच्छी हो रही है हमारे को चीज रिपीट हो रही अच्छा लग रहा है तो इस प्रकार हमने हिंदी को लगातार पढ़ा और एक रीजन और बतलाता हूं मेरी दीक्षा के शायद चार पाँच छः साल हुए होंगे हम हरियाणा में एक जगह है यमुना नगर तो यमुनानगर के स्थानक में रुके हुए थे उन्नीस की बात है वो तो यमुनानगर के स्थानक में कुछ दिन रुकना था वहाँ एक अलमारी में कुछ किताबें पड़ी थी तो वहाँ कोई लगभग सत्तर अस्सी पेज की किताब थी पतली सी वो मैंने उठाई और आरएसएस के किसी व्यक्ति के द्वारा वो लिखी हुई थी उस किताब का मूल जो धे था वो हिंदी के प्रति प्रेम और इंग्लिश के अंग्रेजी के खिलाफ था कि अंग्रेजी भारत में में मेकाली लेके आया गुलामों की भाषा है ऐसी है वैसी है हमें राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व होना चाहिए हम अंग्रेजी की गुलामीता क्यों करें ना जाने क्या क्या बातें थी और वो चीज़ मेरे दिमाग में बस गई बसने के बाद दिमाग में खाखा बन गया कि इंग्लिश नहीं पढ़नी इंग्लिश का से दूर रहना है हिंदी पर ही जोर देना है हमारे देश की भाषा है ये चीज कई साल तक चली अब उम्र उम्र भी निकल रही थी धीरे धीरे तो कुछ साल के बाद फिर झटका सा लगा कि भाई हिंदी 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 तो अच्छी है लेकिन कई जगह पर इंग्लिश के बिना भी गुजारा नहीं है तो ऐसा लगा कि इंग्लिश भी होनी चाहिए तो इंग्लिश अपने काम चलाओ सीखने में आई इसका कारण था जहां बच्चे को नर्सरी से इंग्लिश सिखाते हमारे छठी क्लास से इंग्लिश एबीसीडी शुरू होती थी फिर इंग्लिश के प्रॉपर टीचर नहीं होते थे और प्रणाम यह है कि इंग्लिश जैसे एक अच्छी होनी चाहिए वो नहीं हुई लेकिन फिर भी अपना काम चल जाता है तो भाव कहने का कि हिंदी जो है वो एक महत्वपूर्ण भाषा है भारत में हम और आप सभी रहते हैं और हमें इस भाषा की महत्ता को समझना चाहिए भारत के अनेक आजादी के आंदोलन के बड़े विद्वान लोगों ने आजादी के बाद कई बार इस बात को कहा कि भारत में एक जनसंपर्क भाषा होनी चाहिए और भाषा है हिंदी तो हिंदी को जनसंपर्क भाषा बनाने की कोशिश की गई कश्मीर से कन्याकुमारी तक कटक से अटक तक लोग हिंदी को जाने समझें बातचीत करें और लोकल लैंग्वेज भी चले उसका कोई विरोध नहीं है लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि दक्षिण भारत में केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका तेलंगाना और उड़ीसा में इतना ज्यादा नहीं है पश्चिम बंगाल आपका महाराष्ट्र भी आ जाता है गुजरात भी आ जाता है इन प्रांतों में भाषा के नाम पर राजनीति होती रही कि जैसे ही हिंदी की बात आए तो वहां वहां के लोकल के राजनेता जनता को भड़काते हैं ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं हमारी संस्कृति समाप्त करना चाहते हैं ऐसे भड़काऊ भाषण देके कई बार तो दक्षिण भारत में दंगे फसाद हुए हैं आज भी वहां पर जैन स्थानक जैन मंदिरों के जो साइन बोर्ड होते हैं उनकी स्थानीय भाषा में आपने ऊपर लिखा है फिर आपने हिंदी इंग्लिश में लिखा है तो चलेगा और आपने केवल मात्र हिंदी में लिखा है तो आएंगे फाड़ देंगे काला रोगन पोत देंगे ऐसी हरकतें आज भी वहां पर चलती हैं ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हिंदी वालों का भी कर्तव्य है कि उनकी भाषाओं को भी यथासंभव सम्मान देने की कोशिश करें भाषाओं को सीखने की कोशिश करें उनकी भाषाओं के प्रति घृणा का भावना रखें मैं ऐसा समझता हूँ हिंदी के साथ साथ मलयालम हो तमिल हो कन्नड़ हो उड़िया हो और गुजराती हो मराठी हो बांग्ला हो असमिया हो ये जितनी भी भाषाएं हिंदी और हिंदी की सारी बहने हैं इन बहनों में आपस में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए और, और मैं, मैं तो देखता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है भारतीय ज्ञानपीठ जो कि हमारे जैन समाज के साहू परिवार के द्वारा स्थापित है भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन वालों ने पूरे देश के किसी भी भाषा के विद्वान व्यक्ति ने कोई अच्छी चीज लिखी है उसका ट्रांसलेशन करके हिंदी में छपवाना और सब भाषाओं को आपस में जोड़ने का काम उन्होंने किया राजकमल प्रकाशन वालों ने किया राधा कृष्ण प्रकाशन वालों ने किया और ऐसे बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जिन्होंने प्रकाशन का काम करके इन भाषाओं में लय और ताल बैठाने की कोशिश करी है हमारा राजस्थानी समाज राजस्थान से निकल के ठेड दक्षिण भारत के कई प्रांतों में फैला हो क्या वह वहां की भाषा नहीं जानते तीस तीस पचास पचास सौ सौ साल हो गए व्यापार करना है वहाँ लोगों के बीच में रहने तो भाषा सीखनी ही है तो मैं ऐसा समझता हूं कि भाषाओं से हम घृणा ना करें एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करें एक दूसरे की भाषाओं के साथ साथ भावों को समझने का हमारे को प्रयास करना चाहिए और आज जो है पूरे देश में भारत की आजादी के बाद के अनेक सालों में धीरे 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 हुआ क्या है इंग्लिश मीडियम स्कूलों का प्रचलन बढ़ा कारण क्या है देश विदेश में नौकरी करनी है मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करनी है तो आज इंग्लिश अनिवार्य सी हो गई इंग्लिश आज हिंदी के कंधों पर सवार हो गई है और हिंदी के कंधों पर जोर पड़ रहा है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उस समय शिक्षा नीति जो जारी करी उसमें एक फार्मूला दिया जिसका नाम था त्रिभाषी फार्मूला त्रिभाषी फार्मूले का मतलब तीन भाषाओं का फार्मूला तीन भाषाएं कौन कौन सी हिंदी इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज हिंदी से आप पूरे देश में जुड़ जाएंगे लोकल लैंग्वेज से और लोकल के कल्चर को अच्छी प्रकार से जान पाएंगे और इंग्लिश के द्वारा आप इंटरनेशनल चीजों को समझने में आपको आसानी रहेगी लेकिन दुर्भाग्य की हिंदी इंग्लिश तो कुल मिला ठीक ठाक चल रही हैं, अन्य भाषाओं के साथ हम तालमेल नहीं बैठा पा रहे दक्षिण भारत के लोगों की भी आदत बड़ी विचित्र है कि वो लोग लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश को तो लाइक करते हैं लेकिन हिंदी से बड़ी भारी घृणा करते हैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए और तीनों भाषाओं को सम्मान देना चाहिए और त्रिभाषी फार्मूला ये ज्यादा प्रैक्टिकल है हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी अच्छी हिंदी थी उनकी हिंदी पर अच्छी कमांड थी जो यूएनओ के अंदर प्रथम बार गए तो यूएनओ में हिंदी में बोले भारत का कोई ऐसा पहला व्यक्ति था जो यूएनओ के मंच पर हिंदी में बोला और लोगों ने बड़ा अच्छा महसूस करा भारत की राजनीति का सच है कि भारत की राजनीति में सफल होने के लिए हिंदी का अच्छा आना आवश्यक है कि जिसकी हिंदी अच्छी है, वो हिंदी के द्वारा अपने वोटर्स को कन्विंस करने में समर्थ रहता है मुहावरे बोल सकता है कहावतें कह सकता है शब्दों को अपने तरीके से प्रयोग में ले सकता है अनेक पर्यायवाची शब्दों को जानता है और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलता का एक राज उनकी अच्छी हिंदी भाषा भी रही है लोगों से कनेक्ट होने के लिए संवाद करने के लिए अच्छी हिंदी का होना आवश्यक है आज के इस हिंदी दिवस पर मेरी इस बात को सुनने वाले सभी श्रोता ध्यान दें कि आप हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें अंग्रेजी का इंग्लिश का प्रयोग करते कोई विरोध नहीं है लेकिन जहां आवश्यकता है आप इंग्लिश का प्रयोग करें जहां आवश्यकता वहां आप हिंदी का प्रयोग करें बहुत सारे लोगों ने तो आज इंग्लिश को स्टेटस सिंबल बना लिया कि हम बड़े ऊंचे हो गए श्रेष्ठ हो गए बढ़िया हो गए इंग्लिश आती है हमारे को लेकिन नहीं हिंदी इंग्लिश सब आनी चाहिए सब भाषाओं का सम्मान करना चाहिए इन चीजों को आपको भली प्रकार से समझना है